भारत के बाहर के धर्मों को बड़ी भारी समस्या होती है भारत के धर्मों को डाइजेस्ट करने में, बहुत मुश्किल है। और मजेदार बात जानते हो क्या है कि अट्रैक्ट भी करता है, बीटल्स भी आ जाते हैं यहाँ पर, एमजे भी आ जाता है यहाँ पर, मडोना भी आ जाती है, सारी बेबी डॉल गाते गाते सडनली वो आ जाती है यहाँ पर ध्यान करने के लिए। अट्रैक्ट भी यही कर रहा है। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? सच लोकप्रिय नहीं होता है, लेकिन सच के अलावा और कोई चीज नहीं है जो तुम्हें आकर्षित करती हो। सच दृष्टियों में बंध जाता है, अगर तुम थोड़ा सा सच देख पाते हो तो उतने ही सच पे आकर्षित हो जाते हो, अगर तुम बड़ा सच देखते हो तो ज्यादा बड़े सच की तरफ आकर्षित हो जाते हो। सच हमेशा तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो भारतीय धर्म ने सच की तरफ बात की, इसलिए भारत में एक शब्द कॉमन हो गया नास्तिकों में भी और आस्तिकों में भी, और वो शब्द था दिगंबर, न्यूड हो जाना। जैन नास्तिक हैं और सनातनी आस्तिक। जैनियों के सारे तीर्थंकर जो होते हैं वो एक एक करके नग्न हो, महावीर जो उनके श्रेष्ठतम तीर्थंकर है वो पूर्ण नग्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये महावीर है, दिगंबर हो गए। और हमारा जो श्रेष्ठ आइकॉन है वो शिव, वो दिगंबर नग्न है। न्यूडिटी ये कंपल्सरी है, नग्नता बहुत जरूरी है। कितनी जरूरी है ये यहां से घर जाने के बाद तुम लोग देख लेना। जितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आए हो, इन कपड़ों को ना उतार दिया तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारा शरीर हमेशा सच बोलता है और तुम्हारा मन हमेशा झूठ बोलता है, इसलिए मन को बार बार समझाना पड़ता है ये करो ये ना करो। शरीर को कुछ नहीं समझाना पड़ता है, शरीर को हमेशा पता है कि क्या सच चल रहा है। शरीर को अगर भूख लगती है तो शरीर में वासना जागती है, भूख को तुम टॉलरेट कर लेते हो, वासना को तुम टॉलरेट नहीं कर पाते हो। तुम्हारी समस्या है। कितनी खूबसूरत बात है ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट कुरान सब में, एक बड़ी खूबसूरत बात है इसी न्यूडिटी से जुड़ी हुई। दिगंबर क्या होता है? आदम को इडेन गार्डन में जन्नत में खुदा ने छोड़ दिया कि जा अपनी मर्जी का सारा मजा ले। आदम कपड़े नहीं पहनता था, नग्न था, खेले का मशाने में होली दिगंबर, वैसे ही वहां खेले जन्नत में होली, है ना? क्यों मानू रंग नहीं डालता मानो कि शरीर का वो अंग कट जाएगा। आदम नग्न है। देखो समझना, दुनिया भर में धर्म कहां कहां पहुंच गया, नहीं केंद्र में तुमको वो बात मिल जाएगी। मैंने कहा ना लोकप्रिय हो ना हो, लेकिन सच के अतिरिक्त कोई चीज तुम्हें आकर्षित नहीं करती है। तो ये बात अब्राहम को भी समझ में आ रही है, बात ईसा को भी समझ में आ रही है, मोहम्मद को भी समझ में आ रही है कि नग्नता बड़ी खूबसूरत है और बड़ी जरूरी है। आदम नग्न है और जन्नत में है, जन्नत के सारे मजे उसके लिए। जन्नत माने ब्यूटीफुल, एक ब्यूटीफुल जिंदगी कहां पर है? जन्नत में है। जहां ब्यूटीफुल जिंदगी है वहीं पे जन्नत है, और जन्नत में कौन है? जो नंगा है, दूसरा कोई नहीं है। जीसस कहता है कि मेरे बाप के राज में वही आएगा जो बच्चों जैसा होगा। बच्चा कैसा है? बच्चा नंगा है। और वो एक दिन ज्ञान का फल खा लेता है, फ्रूट ऑफ विजडम खा लेता है, और पहला काम क्या करता है? कुकृत्य। क्या अपराध क्या है? कभी समझना, पूरी मनुष्यता का अपराध इस कहानी के एक छोटे से हिस्से में छुपा हुआ है। मनुष्य का पतन कैसे हो गया? मनुष्य कौन सी जन्नत इस खूबसूरत दुनिया के अलावा और कोई जन्नत हो सकती थी क्या? वो सब जिसका तस्करा तुम्हें कुरान में मिलता है कभी जमीन पर मौजूद था? वो लहलाती हुई नदियाँ, वो खिलखिलाते हुए वन, वो फूल, वो पंछी, वो परिंदे, वो हवा, वो मौसम, वो फजा, वो सब कुछ था और वो सबके लिए उपलब्ध था। आदम ने केवल ज्ञान का फल खाया, जिसको नवाल युवा हरारी कहता है कि हमने सिर्फ एक चीज हमारे पास आती है, वो थी तर्क, बुद्धि, और उसके बाद हमने पूरी दुनिया की वाट लगा दी, सबको खत्म कर दिया।
हमको जैसे ही ज्ञान मिला, एडम को ज्ञान मिला, और पहला ज्ञान क्या मिला? अरे मैं तो नंगा हूं। हर ज्ञानी को पहली चीज क्या मिलती है? जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान जागेगा, पहली चीज क्या मिलेगी? ओ माय गॉड, ये मेरे अंदर फॉल्ट है। ज्ञान की पहचान कहां से होती है? वो सबसे पहले तुम्हारे भीतर का फॉल्ट दिखाता है। बाहर का फॉल्ट तो अहंकार दिखाता है, ज्ञान हमेशा तुम्हारा फॉल्ट दिखाता है। जब तक तुम दूसरों की बुराई खोज रहे थे, तुम जड़ मूर्ख आदमी थे, तुमको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी चाहिए। लेकिन जिस दिन तुम अपनी बुराई ढूंढने लगते हो, उस दिन तुम्हारा मनुष्य के रूप में विकास शुरू होता है। तुम वैज्ञानिक होते हो, तुम साहित्यकार होते हो, तुम संत होते हो, तुम ऋषि होते हो, पैगंबर होते हो, महर्षि होते हो, मुक्त हो जाते हो, तुम ही ईश्वर हो जाते हो। एक एक क्रम से चलता है। विजडम सबसे पहले तुम्हारा फॉल्ट दिखाता है, अपने ही फॉल्ट। लेकिन देखो अगली घटना कितनी खूबसूरत है। उसको दिखा कि मैं नंगा हूं, और उसने उसका हल क्या ढूंढा? अपनी नग्नता की स्वीकृति। यदि ऐसा होता तो उसी वक्त वो शिव हो जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने ढक लिया। हम सब जैसे ही अपने ऐप को जानते हैं, तुरंत उसे ढकने में लग जाते हैं। यहीं से मनुष्यता हेल की तरफ आ गई है, नर्क की तरफ आ गई है। हम सब के अंदर ये गुण आदम का दिया हुआ है कि हम जैसे ही अपने ऐब, अपनी खराबी को जानते हैं, हम उसे छुपाने में लग जाते हैं, उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। और जस्टिफिकेशन किसी का नुकसान नहीं करता, सिर्फ तुम्हारा नुकसान करता है। जिस दिन तुम अपनी गलती के ऊपर लीपा पोती करते हो, तो दरअसल सिर्फ तुम खत्म हो रहे होते, कोई दूसरा नहीं खत्म हो रहा होता है। लेकिन तुम ये लीपा पोती करते हो और अपने बच्चों को ये लीपा पोती सिखाते हो। हमारे सब देवताओं की नग्नता की कथाएं भरी पड़ी हैं। हमने इस तरह से हमने सनातन धर्म को डेवलप किया था। देवी देवता नग्न होते थे, प्रतिमाएं नग्न होती थी। दक्षिण भारत में जाओ, ज्यादातर मंदिरों में नग्न प्रतिमाएं मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे हमने उनको कपड़े पहना दिए। क्यों कपड़े पहना दिए? और फिर धीरे से प्रोपागंडा भी डाल दिया कि नग्न नहीं होने चाहिए विग्रह देवताओं के, उनपे वस्त्र होना चाहिए। ये पंडित जी की वासना की प्रॉब्लम थी कि उनके सामने नग्न देवी उनको समस्या क्रिएट कर रही थी। अब उस पर टोटके बाजी ये हो गई कि विग्रह के कपड़े होने चाहिए। अरे विग्रह क्या होने चाहिए, तो शिवलिंग उखाड़ देना चाहिए था। औरंगजेब ने शुभ काम किया, ये तो पहली प्रॉब्लम थी। आप जरा देखिए, ये होली है, आप जरा देखिए हमारी मनुष्यता का इंटरेस्ट लेवल कहाँ चला गया। आपको नग्न होने कहा जाएगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन आप शिवलिंग को सहलाने में एक मिनट नहीं लगाते। यू लव दैट, दिस इज ऑल। इसको समझना अपने दिमाग के भीतर कि तुम्हें दूसरे की नग्नता मजा देती है, तुम्हारी अपनी नग्नता तुम्हारे लिए समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो लस्ट हमारी जिंदगी के सेंटर में आ जाता है, पहला। और जैसे सूर्य पूरी की पूरी प्रकृति में व्याप्त है, वैसे ही लस्ट पूरी प्रकृति में व्याप्त है। तुमको लगता है एक फूल इसलिए खिला था क्योंकि मंजरी जी को कविता लिखनी थी? नहीं, वो सिर्फ इसलिए खिला था क्योंकि उसमें लस्ट था। उसको किसी मधुमक्खी को अट्रैक्ट करना था ताकि वो दूसरा फूल खिला सके। दिस इज ऑल। नेचर में एक हलचल नहीं होगी अगर वहां पर लस्ट नहीं होगा। इसलिए हमने काम को देवता कहा, काम देव कहा। हमने शिव को काम के ऊपर बिठाया। हमने राम को अनेकानेक कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, अनेकानेक कंदर्प यानी कामदेव, अनेकानेक कामदेवों को मिला देने पर राम आ रहा। हमने वासना को एस्थेटिक दी, हमने कामशास्त्र लिखा, हमने खजुराहो बनाया, हमने कोणार्क बनाए, हमने खुलेआम इस पर बात की। उसी का एक स्वरूप ये होली था जिसमें हम कामरेचन करते थे। हम एक दूसरे को गालियां देते थे, अबीर लगाते थे, ये सब कुछ। आज भी हम गाली दे रहे हैं, लेकिन अब दुश्मनी वश दे रहे हैं।
लेकिन तब ये था कि हम किसी तरह से अपने जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है हम उसे इन दिनों बाहर कर ले, क्योंकि तब पूरा फाग होता था, यानी पुराने भारत में लगभग 2 महीने की होली होती थी, धीरे धीरे 1 माह की हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे जीवित करने की कोशिश की थी शांति निकेतन में, उन्होंने 1 महीने का पूरा वसंतोत्सव रखा। चूंकि कवि थे, सोफेस्टिकेटेड थे, ब्रह्मा समाजी थे, तो गालियों को उन्होंने जगह नहीं दी, लेकिन उन्होंने हास्य विनोद और काम चर्चा को जगह दी। मगर टैगोर तो हमारे आदर्श नहीं बने ना, हमारा आदर्श तो गांधी बना, जहां काम चर्चा करने पर तुम्हारे बाल मुड़वा दिए जाते थे।